नमस्कार दोस्तों, अगर आपको घुटने में तकलीफ रहती है, आपको नीचे बैठने उठने में, बैठ के खड़ा होने में दिक्कत हो रही है और आप इस तकलीफ से परमानेंट छुटकारा चाहते हैं, तो वो दो चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। अगर ये दो चीजें आप जान गए तो आपकी तकलीफ इस हद तक कम हो जाएगी कि कभी आपको घुटने रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर भी करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेनर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ श्री साईं ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। आई एम प्राउड फादर ऑफ टू सन एंड हस्बैंड ऑफ ए लवली वुमन। घुटने की तकलीफ आजकल बहुत ही कॉमन है और ठंड के मौसम में तो और भी कोई भी ज्वाइंट का दर्द थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन और इसके कारण से क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों को नीचे बैठने उठने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये तकलीफ ऐसा है कि लोगों को बार बार डॉक्टर के पास, कितना बार ठीक हो जाता है लेकिन फिर कुछ किए, कुछ सीढ़ी चढ़ दिए, चाहे कहीं ज्यादा काम हो गया, फिर से तकलीफ बढ़ जाती है। तकलीफ बढ़ जाने के कारण से उनको बार बार डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। तो इसमें दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये तो समझना है कि जैसे घुटने की तकलीफ है, घुटने में दो हड्डियां हैं, एक ऊपर हड्डी है जो जांघ की हड्डी है और एक नीचे हड्डी है जो पैर की हड्डी है, और इसके ऊपर एक कटोरी की हड्डी रहती है जिसको पटेला बोलते हैं, और ये मूवमेंट होता है, मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है, 40-50 साल के बाद से जैसे गाड़ी का चक्का चलते चलते गिर जाता है, ये हड्डियों के ऊपर भी, जहाँ पे हड्डी ज्वाइंट से जोड़ मिल रहा है, वहां पे अगर आप देखेंगे इसके ऊपर एक नरम परत रहती है जो बिल्कुल हड्डी नहीं रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज, जो एक नरम कुशन का काम करता है, जो शॉक एब्जॉर्बर की नॉर्मल मूवमेंट हो जाए, मूवमेंट में कोई, क्योंकि हड्डी से हड्डी, हड्डी पे हड्डी अगर ऐसा मूवमेंट करेगा, एक तो आवाज आएगा कड़कड़, और दूसरा चीज की उतना मूवमेंट स्मूथ नहीं होगा, और उसमें इस क्योंकि इसमें तो हमेशा प्रेशर शरीर का पूरा, एक तरह से देखा जाए तो पूरा जोड़ इस ज्वाइंट पे ही पड़ता है, घुटना पे ही पड़ रहा है। तो ये जोड़ को एज ए शॉक एब्जॉर्बर काम करता है, ये जो कार्टिलेज रहता है, जो हड्डी के ऊपर ज्वाइंट के पास जो एक परत रहती है। और होता क्या है कि जैसे गाड़ी का चक्का यूज करते करते घिस जाता है, वैसे ही ये कार्टिलेज भी धीरे धीरे घिस जाता है। और कार्टिलेज की विशेषता ये है कि ये एक बार घिस गया, ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जिससे उसको फिर से लाया जा सके। तो उपाय क्या रहता है, जब बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, जब आपके 75-100% कार्टिलेज खत्म हो जाते हैं, तो उपाय यही रहता है कि उसको हटा के और आर्टिफिशियल ज्वाइंट डाल देते हैं। भगवान का चीज अब खराब हो गया, भगवान की चीज की जगह पे आदमी का बनाया हुआ ज्वाइंट डाल देते हैं, जिसको ज्वाइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन कितना भी अच्छा कोई ज्वाइंट बना दे, भगवान जैसा कोई नहीं बना सकता, और इसलिए अपने कार्टिलेज को बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो पहला आपका वजन, क्योंकि आपका शरीर का पूरा वजन इन्हीं घुटनों के माध्यम से नीचे उतर रहा है। आप अगर 50 किलो हैं तो इस पे 50 किलो का वजन, अगर 100 किलो है तो 100 किलो का वजन पड़ रहा है। लेकिन वजन दुगुना हो जाने से घुटना पे केवल दुगुना ही वजन, मैंने भार नहीं पड़ता, दुगुना उस पे स्ट्रेस नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम नीचे बैठते उठते हैं, सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं, तो ये वजन 7-8 गुना का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अगर भले ही आपका वजन 2 गुना बढ़ा है, लेकिन जब आप नीचे बैठ उठ रहे हैं तो उस वक्त उस पे 14 गुना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे में ये घुटना और भी तेजी से डैमेज हो जाता है, जो पहले से ही डैमेज है और भी तेजी से डैमेज हो जाता है। तो इसमें वजन का बहुत इंपॉर्टेंस है, और वजन थोड़ा सा भी आप कम करते हैं तो आपकी तकलीफ में बहुत राहत मिलती है। कितनी बार, बहुत सारे, और ये खास करके हमारे घर की महिलाओं में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, पुरुषों में भी है, ऐसा नहीं है कि पुरुषों में नहीं, लेकिन महिलाओं में, और महिलाएं कितना बार इस बात को समझती भी नहीं है, हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, पूरे भारत में ही दिक्कत है कि यहाँ पे पतला होना बीमारी माना जाता है और मोटा होना मैंने अच्छा चीज है, मैंने स्वस्थ आदमी है। अगर मैं थोड़ा वजन कम किया तो बहुत सारे डॉक्टर साहब आप तो तबीयत लग रहा है ठीक नहीं लग रहा, जबकि मैं अंदर से फिट महसूस कर रहा हूँ। और ये ऐसी चीजें हैं, आम आदमी में ये भ्रांतियां हैं कि वो पतला है यानी कि वो बीमार है, मोटा है यानी कि स्वस्थ है, जबकि है इसके बिल्कुल उल्टा। पतला होना स्वास्थ्य की निशानी है, और पतले होने से, वजन केवल कम होने से, तो बहुत सारी बीमारियां, केवल घुटने में ही नहीं, घुटने का ही ग्रीस में और घुटने की तकलीफ में ही नहीं राहत मिलती। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, आपको थायराइड की तकलीफ है, आपको हार्ट की तकलीफ है, इस सभी चीजें, बहुत सारी बीमारियों के लिए, एक तरह से देखा जाए तो ये स्ट्रोक, कितना लोगों को मानसिक आघात हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है जिसमें पैरालिसिस मार देता है, वजन होना बहुत ही एक घातक चीज है। अगर आप वजन कम करते हैं, एक वजन आप केवल कम कर लेते हैं, तो इससे आपके घुटने की तकलीफ में बहुत राहत मिलता है। बहुत सारे लेडीज बोलती है, सर
हमारा कहाँ वजन है सर, हमारे से मोटे मोटे हैं लोग, मोटे मोटे हैं, सबका शरीर अलग अलग है, सबके ये हो सकता है कि उसका शरीर थोड़ा मोटा हो, हम दूसरे से कंपैरिजन नहीं कर सकते, हमको अपना वजन देखना होगा और ये कैसे समझ में आएगा कि हमारा वजन सही है कि नहीं। तो इसके लिए दो चीजें हैं, एक तो BMI आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो हमारी टीम आपका इसमें हम कमेंट करके बताइए कि आई वॉन्ट टू नो माई BMI, तो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, फोन करके आप अपना नंबर देंगे कमेंट बॉक्स में, तो टीम हमारी हेल्प करेगी कि आपकी BMI सही है कि नहीं, आपका वजन सही है कि नहीं। BMI निकालते कैसे है कि आपका वजन जो है ना आपके हाइट के अनुसार होता है। BMI निकालने के लिए सबसे पहले वेट निकालना पड़ेगा और हाइट निकालना पड़ेगा। वेट क्या चीज में, तो किलोग्राम में, और हाइट क्या चीज में, मीटर में। तो इसमें BMI निकलेगा कैसे, तो वेट इन kg डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो इस तरह से निकलता है। और अगर BMI आपका 25 से ज्यादा है तो आप ओवरवेट है, और 30 से ज्यादा है तो आप ओबेसिटी की तरफ है। अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट आपका हाइट के अनुसार आपका वजन सही है कि नहीं, तो आप कमेंट में जरूर बताइए, अपना नंबर दीजिए, हम अपनी टीम को बोलेंगे, आपसे फोन करके आपका BMI निकालेंगे। अगर आपका BMI ज्यादा है, अगर आप ओवरवेट में है या ओबेसिटी कैटेगरी में है, तो सावधान हो जाइए, ये आपके घुटने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसमें तो हमारी टीम की मदद लगेगी। दूसरा एक और भी क्राइटेरिया है, आप हाइट के आधार पे, अगर आपकी हाइट है उसको फिट में ले लें। मान लीजिए कि अगर आपकी हाइट 6 फीट है, तो 6 फीट को जितना फिट है उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना भी फिट हो रहा है उसमें 12 से। अगर मान लीजिए आपकी हाइट 5 फीट है और अगर आप मेल है तो 12 से, अगर आप फीमेल है तो 10 से उसमें मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर आप मेल है और आपकी हाइट है 5 फीट, तो 12 × 5 = 60, यानी कि आपका वेट होना चाहिए 60 kg। अगर आप लेडीज है, अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो आपका 5 × 10 होगा, मेल में 12 से मल्टीप्लाई करना है और फीमेल में 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपकी 5 फीट हाइट है और आप एक औरत है, तो आपका मोटा मोटी जो वेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 50 kg होना चाहिए। ये रफ कैलकुलेशन है, लेकिन BMI ज्यादा एक्यूरेट है। तीसरा एक और चीज है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा वेट सही है कि नहीं। हमारे यहाँ देश में ज्यादा लोगों को ट्रंकल ओबेसिटी है, उनका पेट निकल जाता है, बाकी सब चीज ठीक रहता। हमारे यहाँ ज्यादा क्योंकि जेनेटिक है कि हम लोग का पेट ज्यादा निकलता। तो इसमें एक क्राइटेरिया है कि आप एक जो मेजरिंग टेप है उसको ले लीजिए, आपकी हाइट निकालिए, हाइट कितनी है। अगर मान लीजिए आपकी हाइट 150 है, तो आपकी कमर जहां सबसे ज्यादा चौड़ी है कमर, वो 75 होना चाहिए, यानी उसका आधा होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है, यानी कि आपका टोन निकला हुआ है, और इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो अभी तक तो मैंने ये बताया है कि आपका वजन सही है कि नहीं, लेकिन एक बार आपको पता चल गया कि आपका वजन ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि सर हम तो खाते ही नहीं है, खासकर के औरतों की ये है, हम तो खाते ही नहीं है, हम तो बहुत काम करते हैं। तो भाई हवा पी के थोड़े वजन बढ़ता है, किसी का हवा पी के नहीं बढ़ता। आपका वजन खा के ही बढ़ा है या फिर नहीं काम करके बढ़ा। वजन देख तो चीज से बढ़ सकता है कि आप कितना खा रहे हैं, और दूसरा है आप कितना मेहनत कर रहे हैं, यानी कितना आप एक्सपेंस कर रहे हैं, आपकी कितनी इनकम है। इनकम मीन्स कितना आपके आप भोजन ले रहे हैं, और कितना एक्सपेंस है, कितना खर्चा है, यानी कितना आप मेहनत कर रहे हैं। ये दो चीजों पर डिपेंड है। हो सकता है कि आप मेहनत बहुत करते हो लेकिन खाना खूब खाते हैं, उससे भी वजन बढ़ेगा। या हो सकता है आप खाना कम खाते हैं लेकिन मेहनत उससे भी कम करते हैं। इतना तो पक्का है कि किसी का वजन हवा पी के नहीं बढ़ता। तो ये दोनों चीजों पे ध्यान रखना है। और अधिकतर समय जो घुटने के मरीज रहते हैं, चाहे जो भी मरीज रहते हैं, वो उन्हीं को दिमाग में आता है कि वजन कम करना है। तो आम आदमी को भी ध्यान देना चाहिए कि वजन हमारा बढ़े नहीं, लेकिन उनको ये लगता है हम तो बीमार है, हमसे तो मेहनत होगा नहीं, तो हमारा वजन कैसे कम होगा। तो एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि वजन कम करने में 80% योगदान आपके भोजन का है, 20% ही आपका एक्सरसाइज है। यानी कि अगर आप अपने भोजन में ध्यान दें तो आपका वजन ऐसे ही कम हो जाएगा। मोटा मोटी बहुत सारी चीजें हैं, इसके लिए हम लोग का एक कोर्स भी है जिसको आप चाहें तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं कि कैसे आप अपना वजन कम कर सकते हैं। लेकिन एक तो पहला चीज, सबसे चीज कि जितना भी खाते हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके खाएं। एक ही साथ दो टाइम खाने वाले का वजन हमेशा ज्यादा रहता है, तो ज्यादा देर तक खाली पेट ना रहें। खाने में फल की मात्रा और सलाद की मात्रा ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। खाना खा रहे हैं तो एक कॉन्शियस ईटिंग करने का एक कंसेप्ट है कि जितना बार मुंह में कोई भी निवाला ले रहे हैं तो उसको 32 बार चबाएं, 32 दांत है ना, 32 बार चबाइए तब उसको निगलिए। शाम का खाना कम करिए, रात का खाना कम करिए। वो अक्षय कुमार भी बोलता है कि रात 6 बजे के बाद से नहीं खाइए।
अगर सचमुच आप वजन कम करने के लिए कॉन्शियस है तो कम करिए, एटलीस्ट केवल उस वक्त फ्रूट सलाद और दूध ही लीजिए रात में। खाली पेट भी ज्यादा देर रहने से भी वजन बढ़ता है। सवेरे उठे कितना लोग को आदत रहता है 12 बजे 1 बजे तक कुछ ना कुछ खाइए, और सवेरे अच्छा है कि फल और सलाद लीजिए। तो ये बहुत सारी फैक्टर्स हैं, अगर इन सबका ध्यान रखा जाए तो आपका वजन कम होगा। और इसके लिए YouTube पे भी चाहे हमारे चैनल पे भी बहुत सारे तरीके बताए इस तरह से वजन, लेकिन वजन एक ऐसा चीज है कि अगर आप उसका ध्यान दे दें तो मुझे लगता है कि आपको घुटने रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है एक्सरसाइज, कसरत। कसरत आप करेंगे तो घुटना आपका धीरे धीरे मजबूत होगा। होता क्या है ना कि चूंकि घुटने में तकलीफ हो गई, अब घुटने की कार्टिलेज डैमेज हो गई, अब आप जाने अंजाने कहीं भी कष्ट होगा तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको बचाने लगते हैं, उसको रेस्ट देते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उसको आराम देते हैं। और जो जिसको आराम मिलेगा, जो मान लीजिए जिसको आपको बॉडी बनाना है, बॉडी बनाना है तो क्या करेंगे आप, मेहनत करेंगे तो बॉडी बन जाएगा। अगर उसको छोड़ देंगे, उसको आराम दे देंगे तो पतला हो जाएगा। आप कितना भी खाना खाएं और मेहनत ना करें तो आपका बॉडी नहीं बन सकता। उसी तरह से चूंकि आपका घुटना में कष्ट है, बीमारी है, तकलीफ है, तो आप जानते हुए भी कॉन्शियसली या अनजाने में भी, कितना बार आपको नहीं पता होगा कि हम अपने घुटने को बचा रहे हैं, आप उसकी मांसपेशियों को काम देना बंद कर देते हैं और जिस चीज को काम नहीं मिलेगा वो कमजोर होगा और धीरे धीरे वो कमजोर होने लगता है। इसमें एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि घुटने के आजू बाजू की मांसपेशियों को मजबूत किया जाए। एक्सरसाइज के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वीडियोज मेरे खुद के हैं। अगर आपको घुटने में तकलीफ है, अगर आप अपने घुटने को सचमुच बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा घुटना बदलने की जरूरत ना पड़े, तो हमारे YouTube चैनल पे जाइए, सेव द नी मिशन करके प्लेलिस्ट है, इसमें 40-50 से ज्यादा वीडियो है, देखिए उसको। और मैं बता रहा हूं अगर सच, और फ्री में है, आप हमसे कंसल्टेशन लेते हैं, हम लोग आपसे पैसे लेते हैं, बोलते हैं कि 1000 रुपए, क्योंकि हमारे टाइम का वैल्यू है, हम इतना समय निकाल के आपके साथ दे रहे हैं तो हमारे समय का वैल्यू है। अगर हम आपसे कंसल्टेशन लेते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो 1000 रुपया फीस लेते हैं, लेकिन ये सभी चीजें जो करोड़ों की संपत्ति है इसको फ्री में हमने दिया है। आप जाइए देखिए, इसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं लग रहा है। और एक बार आपका घुटना मजबूत हो गया ना, मांसपेशियां, तो विश्वास करिए, और ये दोनों नुस्खे जो है ना, इसमें कोई खर्चा नहीं लगने वाला है, बस आपकी मेंटल कॉन्शियसनेस, आपकी मन की तैयारी और थोड़ा कमिटमेंट चाहिए। अगर आप करते हैं तो मुझे पूरा आशा है कि आपको आपके तकलीफ में आराम मिलेगा। अगर कोई आपका सवाल है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और उन तमाम लोगों जिनको घुटने की तकलीफ रहती है, जो ओल्ड एज है, वैसे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ये शेयरिंग करने में आपका कुछ पैसा नहीं लगता, लेकिन इससे हमारा, आपके कमेंट करने से हमारा मनोबल भी बढ़ता है और किसी दूसरे का भी फायदा होता है। धन्यवाद। थैंक यू। थिंक हेल्दी बी हेल्दी।